सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक स्मार्ट वॉच की और इसमें आते हैं 7 स्टेप ये अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और इस टाइप का कुछ इसका बॉक्स है एंड पैक है भी ये वॉच। तो चलिए पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं एंड काफ़ी स्टेप आते हैं इसके साथ 7 स्टेप। पहले भी हम काफ़ी अनबॉक्सिंग कर चुके स्मार्ट वॉचेस की बट ये काफ़ी यूनिक लगी है हमें एंड अल्ट्रा एच के 900 प्रो स्मार्ट वॉच है। यहाँ पर मेंशन है 7+1 स्टेप है और भी काफ़ी फीचर है जैसे डबल पिंच का। आप प्रिंट करने के लिए कुछ भी कर दे वर्क करेगा कि नहीं ये भी देखेंगे। 49mm के साथ है। बाकी यहाँ पर मेंशन है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये, बाकी है या नहीं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें और भी मेंशन है जैसे कि वॉच अल्ट्रा टाइटेनियम के 49mm और भी। सो चलिए पहले बॉक्स बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है गाइस इसका यूज़र मैनुअल। प्राइस इसका 1490 रुपीज़, 1490 रुपये की वॉच है और ये इसका यूज़र मैनुअल है QR कोड स्कैन करने के लिए, इसके ऐप को डाउनलोड करने के लिए। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें मेंशन है जो कि रीड कर सकते हैं कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है वॉच को। सो गाइस ये इसके स्ट्रैप है, ये अल्पाइन है, ये ओशियन है, ये सिलिकन है, ओशियन है, सिलिकन है, ओशियन है और ये चैन स्ट्रैप है। तो 7 टाइप के स्ट्रैप हैं। तो चलिए सब कुछ हम देखेंगे। तो फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है ये है अल्पाइन लूप, जिसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो अच्छी क्वालिटी का ये स्ट्रैप है एंड अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है फिलहाल। बाकी ये है गाइस ओशियन बैंड, ऑरेंज कलर का स्ट्रैप है और फिलहाल ये काफ़ी ट्रेंड में रहा है ये स्ट्रैप, ये वाला ओशियन बैंड। ये अल्ट्रा वॉच के साथ आता है। बाकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड ये सिल्कन स्ट्रैप है ये देखिए। तो क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, ये ब्लैक कलर में है एंड फ्लेक्सिबल है, स्मूथ भी काफ़ी है ये देखिए। भी हम चेक भी करते हैं, ये देखिए काफ़ी स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है। बाकी मतलब कि जितने भी स्ट्रैप हैं अभी सब कुछ हम चेक करेंगे, क्वालिटी अच्छी है और ये भी ओशियन बैंड है, बस का कलर चेंज है, ब्लू कलर में है और इनके मतलब कि कलर चेंज है, बाकी क्वालिटी सबकी सेम ही है और अच्छी है। और ये है गाइस सिलिकन स्ट्रैप है, ये ऑरेंज कलर में ये है और बाकी क्वालिटी वाइज तो सभी अच्छे हैं। और आप कॉलेज जाएँ, ऑफिस जाएँ, डेली एक एक पहन के जाएँ या स्कूल कहीं पर भी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लोग सोचेंगे आप डेली चेंज कर रहे हैं, बट आप स्टेप चेंज कर रहे हैं वॉच नहीं। और ये है ब्लैक कलर में, ओशियन बैंड है। बाकी ये जो गाइस इसका लॉक है, आप इसको मतलब कि सेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फिट करना चाहे तो लॉक निकाल के आप इजीली फिट कर सकते हैं क्योंकि इसमें होल दिए रहते हैं। ये देखिए इस टाइप का ये बैंड है, ओशियन बैंड को कहते हैं, स्ट्रैप है ये। बाकी इस टाइप से अगर हम लगा देंगे तो और भी अच्छे तरीके से फिट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर में ओशियन बैंड फ्लेक्सिबल है और स्मूथ भी काफ़ी है। क्वालिटी वाइज बात करें अच्छी क्वालिटी का, ये है चैन स्ट्रैप और इसकी लेंथ वैसे भी ज़्यादा ही रहती है तो हमें इसे एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट नहीं मतलब कि इसे फिट करना चाहे खुद से या किसी भी शॉप पर जाकर कराना चाहे तो हम करा सकते हैं। बाकी चैन वाला स्ट्रैप है, ये मेटल का स्ट्रैप है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। ये देखिए ये मेटल स्ट्रैप है एंड इतने स्ट्रैप मिल जाते हैं हमें, आपको अलग अलग जगह अलग अलग पहन के जाइए। और बाकी ये इसका वायरलेस चार्जर जो कि एक वायरलेस चार्जर है टाइप ए के साथ आता है। आई थिंक वॉच को चार्ज कर देता है 1 आवर 30 मिनट में या 2 आवर में फुल चार्ज हो जाती है वॉच। और वॉच का जो बैकअप आई थिंक 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप है। और ये है गाइस अल्ट्रा 2, उसमें मेंशन है। तो चलिए देखते हैं वॉच को, वॉच किस टाइप की है। तो गाइस पहले इस काम ये रिमूव कर देते हैं लैमिनेशन और इसमें हमें रियल स्क्रू और लॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो चलिए सब कुछ टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेंशन है वाटर रेजिस्टेंट ये वॉच है फिलहाल, है कि नहीं ये नहीं पता। इसमें लॉक सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। क्राउन बटन है, माइक्रोफोन है, पावर ऑफ एंड ऑन बटन है, स्पीकर ग्रिल है, एक्शन बटन है। सो पहले से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी सीरीज 9 शो हो रहा है एंड एप्पल लोगो भी हम सेट कर सकते हैं। और इसके वॉच फेसेस भी काफ़ी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स में देखने को मिलता है। बाकी इसमें वॉच फेसेस हम गैलरी से भी सेट कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू कनेक्ट करके एंड वॉच फेसेस तो गाइस हमें इस पर काफ़ी मिल जाते हैं। जिसका क्राउन है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और जिसके बेजल्स हैं ये भी काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है बेजल्स ये देखिए। और गाइस स्वाइप डाउन करने पर नोटिफिकेशन बार आ जाता है एंड यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं मोबाइल को जिसके ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगे। म्यूज़िक कंट्रोल है, सेटिंग है एंड इसमें म्यूज़िक प्ले भी कर सकते हैं, स्पीकर भी है, ब्राइटनेस के लिए है, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं आप एंड वाईफाई का आइकन है बट वहाँ से ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ होता है। कॉल के लिए है, डायल के लिए,
बाकी लैंग्वेज को हम चेंज कर सकते हैं, हमें लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती है इसमें लैंग्वेज, एंड यहाँ से हम वॉचेस को भी चेंज कर सकते हैं कि हमें फ्रंट में कौन सा चाहिए, और यहाँ से वॉच स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, डायरेक्टली पावर बटन से भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बाकी इसका QR कोड स्कैन करने के लिए जिससे कि ऐप डाउनलोड होगा। तो गाइस ये इसका UI है जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, एंड इसमें हमें काफ़ी मोड्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट मोड्स हैं और सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं जिनमें नोटिफिकेशन आएगी अगर हम इसे अलाउ करेंगे तक। बाकी स्प्लिट स्क्रीन भी है, एंड जिसका UI है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, स्मूथ है, ये देखिए काफ़ी स्मूथ है। एंड स्वाइप डाउन करने पर और भी काफ़ी हमें फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेन्यू स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, और इस टाइप से भी मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, एंड और भी देखते हैं कितने टाइप के हैं। तो थर्ड में सर्कल टाइप में, हाफ सर्कल टाइप में मेन्यू स्टाइल है इसका, तो काफ़ी मिल जाते हैं, देखते कितने टाइप के हैं इसमें मेन्यू स्टाइल। तो ये भी एक मेन्यू स्टाइल है, और जो भी आपको ईजी लगे वो हम सेट कर सकते हैं, एंड और देखते कितने टाइप के मेन्यू स्टाइल इसमें है। सो इसके बाद इसमें टोटल 9 टाइप के मेन्यू स्टाइल हैं, काफ़ी मेन्यू स्टाइल है, ये सर्कल टाइप में है ये देखिए, और मतलब कि सारे तो नहीं, फिलहाल कुछ हम आपको दिखा देते हैं इसमें। एंड ये देखिए लिस्ट स्टाइल में इसमें ऐप का नेम भी मेंशन है, तो ये काफ़ी इजी है। बाकी ये इसके स्टेप, तो चलिए सारे स्टेप हम ट्राई करते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। तो पहले हम अल्पाइन लूप देखते हैं, इस टाइप से गाइस हमें लगाना है, बस इसको स्लाइड कर देना है और ये फिक्स हो जाएगा। अब ये लॉक भी हो चुका है, इस टाइप से कुछ लॉक हो गया। बाकी देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कोई प्रीमियम वॉच है, एंड देखने में एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह लगती है स्क्रीन। बाकी 49mm के साथ है, तो पहनना तो काफ़ी ईजी है, बस ऐसे आप इसको इस टाइप से लगा लीजिए, एंड जो इसका स्ट्रैप है उसको आप अपने हिसाब से टाइट कर लीजिए इस टाइप से कुछ। तो पहनने में तो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है वॉच, स्ट्रैप इसका काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, मतलब कि पहनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी ये लॉक हो चुका है, इसको हमें हटाने के लिए जिसका ये लॉक है लॉक बटन को प्रेस करना पड़ेगा और इसे हमें हटा देना है इस टाइप से कुछ। तो इस टाइप से ये स्ट्रैप है, ये ब्लू कलर में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल ये भी देखने में, और ये है ये भी स्ट्रैप है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिल्कन स्ट्रैप है पहनने में भी। तो आप चाहे तो और भी इसमें लगा सकते हैं बाहर से लेकर, बट इसमें इतने मिल ही जाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से लेने के लिए। और ये भी देखिए सिल्कन स्ट्रैप है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड अब ये मैच कर रहा है, इसका कॉम्बिनेशन ऑरेंज वॉच फेस एंड स्ट्रैप है। सो ये चैन वाला है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है, आप देखिए जिसका फ्रेम है ये भी मेटल का, एंड ये स्ट्रैप भी। तो अब इसके ऐप भी हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हमें ऐप देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेप्स का ऐप है, कितने स्टेप हमने चले, एंड ये हार्ट रेट का है। फिलहाल में गाइस सेंसर सारे फेक है, बस LED लाइट्स हैं जो कि ब्लिंक हो रहे, तो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। और हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐप हमें देखने को मिलते हैं, ये देखिए इसने हमें में भी बता दिया, मैसेज है एंड फ़ोन बुक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं हम इसके ऐप के थ्रू। बाकी डायलर, यहाँ से हम कॉल डायरेक्टली कर सकते हैं जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे वॉच को, और यह डुअल मोड है, यहाँ से इसका ब्लूटूथ ऑन होगा। एंड इसके बाद म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें प्ले भी कर सकते हैं, स्पीकर है इसमें, और यहाँ से मोबाइल सर्च कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू। ये कैमरा ऐप है, बाकी इसमें कोई भी कैमरा नहीं है, सटर यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए जब फ़ोन से कनेक्ट होगा तब। और देखते हैं इसमें रनिंग के लिए टैप करेंगे चालू हो जाएगा इसका ऐप। बाकी स्किपिंग का है, और भी काफ़ी स्पोर्ट मोड्स मिल जाते हैं, सेटअप का है एंड बास्केटबॉल के लिए है, और देखते कौन कौन से हैं, और सोशल मीडिया ऐप्स भी मिल जाते हैं, इनमें नोटिफिकेशन आएगी अगर आप इसे अलाउ करेंगे तब इसके ऐप के थ्रू। बाकी और भी इस टाइप के काफ़ी ऐप हमें मिल जाते हैं, एंड लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं ये देखिए इस टाइप से कुछ, और वेदर भी सेट हो जाएगा ऐप के थ्रू, इसके QR कोड स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रीसेट कर सकते हैं वॉच को, पावर ऑफ करने के लिए भी है। बाकी मेन्यू स्टाइल यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है। सेटिंग पर लैंग्वेजेस हैं, ब्राइटनेस के लिए है, एंड डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन स्लिप टाइम है, और भी देखते हैं स्क्रीन ऑफ के लिए है, 60 सेकंड तक हम ऑन रख सकते हैं, एंड स्क्रीन ऑफ टाइम की बात करें तो 120 सेकंड तक है। तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं जो भी सेट करना हो। तो अब इसका हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप हमें ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों जगह मिल जाता है, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या iOS दोनों में अवेलेबल है। तो ये इसका QR कोड है, इसको भी स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका यूज़र मैनुअल है, उस पर भी हमें QR कोड मिल जाता है, एंड मेंशन भी है ऐप का नाम, जो नेम है वो है प्रॉफिट ऐप इसका,
सो चलिए पहले इसको स्कैन कर लेते हैं। जरूरी नहीं स्कैन करके ही आप डाउनलोड करें, डायरेक्टली प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो पहले हम इसे स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद यहाँ पर लिंक आ जाती है, इसको हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये देखिए यहाँ पर प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह ये अवेलेबल है। सो चलिए हम प्ले स्टोर पर आते हैं, प्रॉफिट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें गाइस अलाउ करनी पड़ती है, एग्री करना पड़ता है, तो आप पहले रीड कर लीजिए। चैन के आइकन पर क्लिक करने के बाद इसे अलाउ करेंगे और ब्लूटूथ एंड लोकेशन ऑन करना पड़ेगा हमें मोबाइल का, स्मार्टफोन का, और वॉच का भी ब्लूटूथ ऑन करना है। तो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो वॉच पर आने के बाद स्वाइप डाउन करिए, जो ये वाईफाई का आइकन, इस पर क्लिक करके ऑन करिए। वाईफाई का आइकन है बट ये है ब्लूटूथ, सो कन्फ्यूज मत होइएगा, इस टाइप से आपको करना है। बाकी इसे रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा अभी वॉच का नाम, देखते क्या आता है। ये देखिए आ गया अल्ट्राडू। यहाँ पर टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, देखिए कनेक्ट हो गई। एंड सेटिंग पर जाने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप वॉच रखकर भूल गए हैं तो फाइंड पर अगर आप टैप करेंगे तो वॉच वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इन्फॉर्मेशन पर अगर हम टैप करेंगे तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं वगैरह। बाकी इसका कैमरा ऐप है, हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो शटर है वो किस टाइप से यूज़ करना है। तो इस पर जब हम टैप करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टार्ट पर, तो टाइमिंग चलेगी एंड पिक्चर क्लिक हो जाएगी एंड गैलरी में सेव भी हो जाएगी। सो और भी काफ़ी ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि और देखते हैं हम क्या है, सैनिटरी का, इस टाइप से काफ़ी मिल जाते हैं। जो भी आपको यूज़फुल लगे आप इसे यूज़ करिए। अलार्म भी सेट कर सकते हैं वॉच में। एंड इसमें एक फीचर वो काफ़ी अच्छा लगता है, एक्टिव ऑन रिस्ट रेस। सो इसको इनेबल करने के बाद आप कहीं बिजी हो, बस आप इसे थोड़ा सा मूव करिए, सो लाइट ऑन हो जाएगी, डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, जिससे कि आप टाइम देख सकते हैं। फिर से करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये देखिए डिस्प्ले ऑन हो गया। इस टाइप का ये फीचर है, काफ़ी अच्छा है। बाकी और भी हम चीज़ें देखते हैं इसमें, जैसे कि ये ऐप पुश है, तो यहाँ से जिन जिन की नोटिफिकेशन चीज़ें हम इनेबल कर सकते हैं तो नोटिफिकेशन वॉच में भी आएगी मैसेज। बाकी रिप्लाई नहीं कर सकते बट रीड कर सकते हैं। ये डायल सेटिंग है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो हमें वॉच फेसेस काफ़ी मिल जाते हैं, जो कि हम यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी गैलरी से लगाना चाहें तो हम कस्टम वॉल वॉच फेस पर क्लिक करेंगे, देखिए कस्टम पर हम आ गए। स्वाइप राइट स्वाइप करने पर एल्बम पर हम टाइप करेंगे तो डायरेक्टली कैमरे से भी क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टाइप करेंगे जो भी आपकी गैलरी में आपको लगाना है पिक्चर्स को, आप सेलेक्ट कर लीजिए, डन करिए। डन करने के बाद सिंक्रोनाइज करिए, सबसे नीचे आपको मिल जाता है। बाकी आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, कहाँ पर चाहिए, फेस पर तो नहीं आ रहा है, बाकी टाइम थोड़ा सा लगता है। लगने के बाद कुछ इस टाइप से गाइस ये सेट हो जाती है पिक्चर, वॉच फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। चार्ज करने के लिए गाइस आप अडेप्टर, पावर बैंक, पीसी किसी से भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ वॉच चार्ज हो रही है। सो गाइस ये वॉच तो काफ़ी अच्छे स्टेप भी काफ़ी मिल जाते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं पर भी जाए आप पहन सकते हैं, पहनने वाले को भी अच्छी लगेगी और देखने वाले को तो और भी। आप रोज ही चेंज करें अपनी क्लॉथ के साथ, तो कॉम्बिनेशन भी सेट कर सकते हैं। बाकी इनकम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं, वॉच काफ़ी अच्छी है। एंड कैश ऑन डिलीवरी पर भी बाय कर सकते हैं, सो एक ट्रस्टेड शॉप से आप बाय कर सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए फैंसी टच को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर एंड बाय।